दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बी ऑनर्स सेमेस्टर फ़ाइव में जो एक सब्जेक्ट है जो सभी बच्चों के पास है फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसका जो पेपर पैटर्न रहेगा वो किस तरह का रहेगा किस तरह से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं बी कॉम ऑनर्स सेमेस्टर फाइव के स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर से देखें तो पहले हम सिलेबस का थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं आपका यूनिट वन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा मीनिंग नेचर ऑब्जेक्टिव स्कोप वगैरह टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिस्क एंड रिटर्न इसके बाद यूनिट टू में आपका कैपिटल बजटिंग है ठीक है कैपिटल बजटिंग के बारे में जो भी इसके फार्मूलाज होते हैं वो सब चीज़ें आपको इसमें पढ़ाई जाएंगी कौन कौन से मेथड के थ्रू आप इसमें निकाल सकते हो इसके बाद यूनिट थ्री है जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंशियल डिसीजन किस तरह से लिया जाता है उसके कौन कौन से मेथड होते हैं सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशिंग एस्टिमेशन ऑफ कॉम्पनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेथड फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी वो सब चीज़ें यूनिट थर्ड में है यूनिट फोर में डिविडेंड डिसीजन से रिगार्डिंग जो भी चीज़ें होती हैं इसकी थ्योरीज हो गई या फिर थ्योरीज ऑफ रिलेवेंस एंड रिलेवेंस ऑफ डिविडेंड डिसीजन फॉर कॉरपोरेट वैल्यूशन और वॉल्टर्स मॉडल कॉर्डेंस मॉडल एम एम अप्रोच फॉर्म ऑफ डिविडेंड पेमेंट टाइप ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज़ वो सब चीज़ें इसमें हैं यूनिट फाइव में वर्किंग कैपिटल डिसीजन से रिगार्डिंग चीज़ें होंगी इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल है ऑपरेटिंग एंड कैश साइकिल रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन कैश मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट ठीक है तो ये कुछ पांच यूनिट हैं अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका पेपर किस तरह का आता है तो ये आप लोग देख सकते हो सेवेंटी फाइव मार्क्स का पेपर है ठीक है जी और इसमें अटैम्प्ट एनी फोर क्वेश्चन ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स यानी कि एटीन पॉइंट सेवन फाइव मार्क्स का आपका पर क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन कितने हैं इसमें टोटल क्वेश्चन हैं इसमें छः क्वेश्चन जिसमें से आपको चार अटैम्प्ट करने हैं ठीक है जी तो हम डिस्कस करते हैं कि, कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं तो ए पार्ट है ए पार्ट तो नहीं पूरा क्वेश्चन ही है इसमें ये पूछ रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है उसके अंदर आप सॉल्यूशन ढूंढते हो तीन मेजर डिसीजन का जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है फाइनेंसिंग डिसीजन होता है और डिविडेंड डिसीजन होता है तो इन तीनों डिसीजन की क्या इंपॉर्टेंस है इन तीनों डिसीजन में आपन में क्या रिलेशनशिप है वो चीज़ आपको समझानी है यानी कि इन्वेस्टमेंट करनी है तो कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है डिविडेंड देना है तो किस तरह से डिविडेंड देना है अपने एम्प्लॉई को ठीक है या फिर फाइनेंसिंग डिसीजन यानी कि पैसा कहाँ कहाँ से हम लोन लें बैंक से लोन लें शॉर्ट टर्म लोन लोन लें या फिर किसके थ्रू हम फाइनेंस रेस करें इक्विटी शेयर्स के थ्रू रेस करें तो जो भी डिसीजन होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पार्ट के अंदर उसमें आपस में क्या रिलेशन है उन तीनों डिसीजन की क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में आपको बताना है ऑल्सो ऑल्सो एडवाइस मिस्टर एक्स डैट इफ ही बोरो फ्रॉम बैंक एन अमाउंट ऑफ रुपीज ट्वेल्व लैक एट द रेट टेन परसेंट इंटरेस्ट पर एनम ऑन फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी द रिपेमेंट इज टू बी मेड इन सिक्स इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट इस्टार्टिंग फ्रॉम थ्री ईयर्स फ्राम नाव वट वुड बी द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट यानी कि बेसिकली प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी और थ्योरिटिकल पार्ट भी आपका फर्स्ट क्वेश्चन में ही इंक्लूड हो गया जिसमें एक तरफ तो आपसे पूछ लिया गया थ्योरिटिकल पार्ट जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ और दूसरी तरफ इन्होंने एक लोन लिया था बारह लाख रुपये का बैंक से दस परसेंट इंटरेस्ट पर और उस लोन को उनको पे करना होगा छः इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में इस्टार्टिंग फ्रॉम थ्री ईयर्स फ्राम नाव यानी कि अब से तीन साल के बाद वो लोन पे करना शुरू करेंगे और छः इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में उनको लोन पे करना है तो इनको बताना है कि हर एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना वो पे करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर वन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट में से है एटीन मार्क्स का वो कवर अप हो गया एटीन पॉइंट सेवन फाइव मार्क्स का इसके बाद बारी आती है हमारी क्वेश्चन नंबर टू की लिमिटेड जो है वो दो मशीनें हैं उसमें से कोई एक मशीन कंसिडर कर रहा है कंसिडरिंग द प्रपोजल ऑफ़ बाइंग वन ऑफ टू मशीन यानी कि उसके पास प्रपोजल है दो मशीनों का उसमें से कोई एक मशीन परचेज करनी है उसको क्यों पर नहीं क्योंकि उसको कोई नया प्रोडक्ट बनाना है ईच ऑफ़ दीज मशीन्स रिक्वायर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ पचास हज़ार एंड इज़ एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड बेनिफिट ओवर अ पीरियड ऑफ़ फोर ईयर्स यानि कि पचास हज़ार कोई भी मशीन परचेज़ करेंगे वो दोनों में से पचास हज़ार उस पर इन्वेस्टमेंट भी लगेगी और वो बेनिफिट जो देंगे वो चार साल में देंगी दोनों मशीन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन द सेलर ऑफ बोथ द मशीन हैव गारंटीड टू बाय बैक द मशीन एट रुपीज़ पाँच हज़ार यानी कि जब दोनों मशीनों की जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद सेलर ने प्रॉमिस किया कि हम पाँच हज़ार रुपये में आपसे ये मशीन वापसी ले लेंगे हैं ठीक है जी द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी यूजिस सी ई अप्रोच टू एवेलुएट रिस्की इन्वेस्टमेंट यानी कि कोई अप्रोच होता है सी ई अप्रोच वो वो लोग यूज़ करते हैं रिस्की इन्वेस्टमेंट को एवेलुएट करने के लिए द कंपनीज रिस्क एडजस्ट डिस्काउंट रेट इज सिक्सटीन परसेंट एंड द रिस्क फ्री रेट इज टेन परसेंट ये कुछ रेट्स बता दिए आपको कंपनीज के द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द नेट कैश फ्लो विद दियर रिस्पेक्टिव सी ई आर दिस यानी ये कुछ वैल्यू बता दी इन लोगों ने दोनों प्रपोजल की फिर ये पूछ रहे हैं कि कौन सी मशीनरी विच मशीन इफ इधर शुड बी परचेज बाय द कंपनी इज सर्टनिटी इक्वलेंट अप्रोच सुपीरियर टू रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट तो पहले तो उन्होंने कुछ मशीन का डेटा दे दिया कुछ मशीन के बारे में इन्फॉर्मेशन बता दी और ये बता दिया कि कंपनी ये मेथड यूज़ करती है रिस्की इन्वेस्टमेंट को एवेलुएट करने के लिए और फिर ये पूछ रहे हैं कि कौन सी मशीन कंपनी को परचेज़ करनी चाहिए और आखिरी में उन लोगों ने एक और चीज़ पूछ ली कि जो सर्टनिटी इक्वलेंट अप्रोच होता है वो क्या थ्योरिटिकली सुपीरियर है रिस्क एडजस्ट डिस्काउंट रेट से तो ये चीज़ आपको बतानी है ठीक है ये क्वेश्चन नंबर टू में हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ बढ़ते हैं गिव अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ मोदी गलामी मोदी गलामी एंड मिलर अप्रोच टू द थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर द टू कंपनी यू एंड आई बिलोंग टू द सेम रिस्क क्लास दे हैव एवरी इन कॉमन एक्सेप्ट द फर्म वन हैजेल परसेंट डिबेंचर ऑफ रुपीज़ टेन लैक द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द टू फर्म इज गिवन टू यू कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है दो फर्म के रिगार्डिंग ठीक है और उन्होंने बताया है कि दो जो कंपनीज़ हैं यू एंड आई वो सेम रिस्क क्लास से बिलोंग करती हैं उनके पास हर एक चीज दोनों का सेम है लेकिन जो एल फर्म है या ये आई फर्म जो है इनके पास जो है बारह परसेंट के डिपेंचर हैं दस लाख के ठीक है और बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टू फर्म एंड एक्सप्लेन हाउ अंडर मोदी ग्लानी मिलर अप्रोच एन इन्वेस्टर हु ओन्स टेन परसेंट इक्विटी शेयर ऑफ द ओवर वैल्यूड फर्म विल बी बेटर ऑफ स्विचिंग हिज बिल्डिंग टू द अदर फर्म ऑल्सो एक्सप्लेन वेन आर्बिट्रेज प्रोसेस विल कम टू एन एंड दे दिया इसके बाद इन लोगों ने पूछ लिया कि वैल्यू निकाली दोनों फर्म की और ये बताइए कि मोडीगलानी मिलर अप्रोच के थ्रू की एक इन्वेस्टर है जो दस परसेंट के इक्विटी शेयर ओवर वैल्यूड फर्म में होल्ड करता है वो किस कंपनी में स्विच उसको करनी चाहिए इन दोनों कंपनी में से जिसको उसको फ़ायदा हो ऑल्सो एक्सप्लेन वेयर आरबीट्रेज प्रोसेस विल कम टू एन एंड यानी कि आर्बिट्रेज प्रोसेस जो होता है वो कब ख़त्म होगा वो भी आपको बताना है क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ बढ़ते हैं हाउ इज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिलेवेंट इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन ऑल्सो डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि ये थ्योरी पार्ट हो गया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो रिलेवेंट क्यों है कैपिटल बजटिंग डिसीजन के लिए और डिस्कस करना है फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं उसको डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर थ्री में भी एक थ्योरी पार्ट था गिव अ क्रिटिकल अप्रोच ऑफ मॉडिगलानी एंड मिलर अप्रोच टू द थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ठीक है दो पार्ट हैं इसके थोड़े थोड़े करके तो ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर में हम बात करें सेकेंड पार्ट की अ कंपनी हैज़ द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर ये बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू और जो भी आपके शेयर्स वगैरह हैं उसकी वैल्यू दो कंपनीज की उसकी वैल्यू गिवन है एक कंपनी की ठीक है और नीचे क्या बना है द एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर इज़ वन पॉइंट फाइव एंड डिविडेंड पर शेयर इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ एट परसेंट फॉर एवर यानी कि जो डिविडेंड है आपका पर शेयर पे वो वन पॉइंट फाइव है और ये डिविडेंड पर शेयर जो है वो ग्रो करेगा एट परसेंट हमेशा के लिए प्रिफ्रेंस शेयर आर रिडीमेबल आफ्टर फाइव ईयर एट पार एज डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर सिक्स ईयर एट पार द टैक्स रेट फॉर द कंपनी इज़ फिफ्टी परसेंट यानि कि जो शेयर है और डिबेंचर है वो रिडीमेबल हैं पाँच और छः साल के बाद और जो टैक्स रेट है कंपनी का वो पचास परसेंट है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ़ कैपिटल यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स यानी कि मार्केट वैल्यू वेट्स को इस्तेमाल करते हुए आपको इस कंपनी का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ़ कैपिटल कैलकुलेट करना है ठीक है ये क्वेश्चन नंबर फोर आपका हो गया इसके बाद हमारी बारी आती है क्वेश्चन नंबर फाइव की क्वेश्चन नंबर फाइव में ये लोग क्या बोलते हैं रेडियंट कॉर्पोरेशन अ मार्केट लीडर डीलिंग इन रेफ्रिजरेटिंग प्रोडक्ट्स हैज़ बीन पेइंग डिविडेंड कंसिस्टेंटली ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स यानी कि एक कंपनी है जो रेफ्रिजरेशन प्रोडक्ट्स में डील करती है वो डिविडेंड दे रही है पिछले कुछ सालों से कंसिस्टेंटली द ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड ऑन एन एवरेज हैज़ बीन ट्वेल्व परसेंट द कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ रेडियंट कारपोरेशन इज सिक्सटीन परसेंट यानी कि डिविडेंड रेंट आपका बारह परसेंट है और कैपिटलाइजेशन रेट जो है कंपनी का वो सोलह परसेंट है अभी लोग क्या बोल रहे हैं कंसिडर विद इट्स डेवलपमेंट फिलासफी रेडियंट कंपनी एक्वायर्ड अ टेक्नोलॉजी फॉर अ न्यू रेफ्रिजरेंट दैट कॉल्ड फॉर ह्यूज इन्वेस्टमेंट बट ऑफर्ड अ मार्केट पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ ऑफ फोर्टीन परसेंट इन अर्निंग एंड डिविडेंड एज वेल यानी कि इन्होंने क्या करा अब कुछ मॉडर्नाइजेशन करने की सोची जिसके अकॉर्डिंग कोई नई टेक्नोलॉजी वो लोग लेकर आएंगे जिसमें जो प्रोडक्ट का अर्निंग है वो चौदह परसेंट तक बढ़ जाएगा और डिविडेंड भी बढ़ेगा ठीक है और जो मार्केट वैल्यू है प्रोडक्ट की वो भी बढ़ेगी उस टेक्नोलॉजी की मदद से अच्छा पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं द मैनेजमेंट डिसीजन टू स्किप द डिविडेंड फॉर नेक्स्ट थ्री ईयर द मैनेजमेंट डिसाइड सॉरी मैनेजमेंट ने डिसाइड करा अब कि वो डिविडेंड जो है अगले तीन साल के लिए स्किप कर देंगे लेकिन हाउ एवर एज अ मेजर ऑफ़ गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड टू री अश्योर द इन्वेस्टर इट अनाउंस डेट द डिडेंड वुडमेंडेड वुड वुड रिकमेंड इन फॉर इयर फ्रॉम नाउ एट रुपीज टनली एंड वुड ऑफर बेटर ग्रोथ ऑफ फोर्टीन परसेंट इंस्टेंट ऑफ ट्वेल्व परसेंट यानी कि हम चार साल के बाद जो डिविडेंड देंगे वो चौदह परसेंट की ग्रोथ से देंगे वट डू यू थिंक वुड द इम्पैक्ट ऑन द प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ रेडियंट कारपोरेशन इन द मार्केट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट एंड रिजल्टेंट प्रोपो पोस्पोनेंट ऑफ डिविडेंड, अज्यूमिंग गोल्डन एजम्शन यानी कि फिर ये पूछ रहे हैं कि जो डिसीजन कंपनी का है कि डिविडेंड हम स्टॉप करके कुछ साल के बाद देंगे और हम नई टेक्नोलॉजी आ रहे हैं क्या इन दोनों जो डिसीजन है कंपनी का ये कंपनी की प्राइस पर इफ़ेक्ट करेंगे या नहीं वट डू थिंक वट द इम्पैक्ट ऑन द प्राइस ऑफ शेयर ऑफ रेडियंट कॉपरेशन इन द मार्केट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट और ये सब चीज़ें आपको बतानी है गोल्डन अजम्शन को ध्यान में रखते हुए इन दिस कॉन्टेक्स्ट डू यू एग्री दैट डिविडेंड पॉलिसी कैन बी यूज टू मैक्सिमाइज़ द वेल्थ पोजिशन ऑफ इक्विटी होल्डर्स विद रेफरेंस टू द डिटर्मिनेशन ऑफ डिविडेंट पॉलिसी और आपको ये भी बताना है कि क्या जो डिविडेंट पॉलिसी है वो जो इक्वटी होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ पोजिशन को ध्यान में रखते हुए यूज़ करी जा सकती है और आपको रेफरेंस देना है डिविडेंड पॉलिसी का ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं द एफिशिएंसी ऑफ कैश मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन हाउ एफिशिएंटली द फर्म मैनेज इट्स इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल कमेंट यानी कि एक ये स्टेटमेंट दे रखी है कि जो कैश मैनेजमेंट की एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है कि, कि कितना एफिशिएंटली फर्म अपनी इन्वेंट्री और रिसिवल को मैनेज कर रही है इसके ऊपर आपको टिप्पणी करनी है क्वेश्चन नंबर सिक्स में तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो दूसरा पार्ट है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं ये बोलते हैं कि ट्रेंज लिमिटेड इज़ करंटली ऑपरेटिंग एट द फाइव परसेंट कैपेसिटी यूटिलाइजिंग लेवल विद इट सेल्स पैग आर रुपीज़ नाइन फिफ्टी एक कंपनी है जो पैंसठ परसेंट कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही है और उसकी सेल्स इतनी है एज़ पर इट्स करंट क्रेडिट पॉलिसी द फर्म इज़ ऑफरिंग आ क्रेडिट पीरियड ऑफ ट्वेंटी डेज़ फर्म का जो क्रेडिट पीरियड है वो बीस दिन का है एवरेज कलेक्शन पीरियड फॉर ट्रांसिशन लिमिटेड इज़ थर्टी और कलेक्शन पीरियड जो इनका एवरेज है वो तीस दिन का है इन व्यू ऑफ इंक्रीज कॉम्पिटिशन दैट हैज़ स्टार्टेड टू इरोड इट्स बॉटम लाइन रिसेंटली द फम मैनेजमेंट हैज़ बीन कॉन्टेपरेटिंग रिलेक्सिंग इट्स क्रेडिट टर्म्स यानी कि कुछ इन्होंने क्रेडिट टर्म्स में रिलैक्सेशन फर्म ने करा है ठीक है जी वो किस लिए क्या है कुछ उन्होंने कंपटीशन मार्केट में इंक्रीज़ हुआ है इसकी वजह से एज़ पर मैनेजमेंट्स प्रोजेक्शन सच अ लिबलाइजेशन ऑफ फर्म क्रेडिट पॉलिसी इज लाइकली टू बूस्ट इट्स सेल्स बाई तीस परसेंट यानी कि फर्म के अकॉर्डिंग अगर हम इस क्रेडिट पॉलिसी को थोड़ा रिलैक्स कर देंगे तो इसकी वजह से हमारी सेल्स तीस परसेंट इंक्रीज हो जाएंगी हॉ एवर सिंस द प्रपोज चेंज इज़ लाइकली टू इंक्रीज द एवरेज क्रेडिट पीरियड इस चेंज की वजह से क्रेडिट पीरियड भी हमारा इंक्रीज़ होगा फॉर द फर्म बाय थर्टी डेज तीस दिन से यानी कि जो पहले बीस दिन से था अब उसको तीस दिन कर दिया वन सेक्शन ऑफ कंपनी मैनेजमेंट इज़ अपोज टू सच आ चेंज यानी कि एक सेक्शन है कंपनी का वो मना कर रहे हैं वो उस चीज़ के अगेंस्ट हैं जो कंपनी डिसीजन ले रही है कि नया कॉम्पिटिशन की वजह से हम क्रेडिट पॉलिसी में थोड़ा रिलैक्सेसन कर रहे हैं इस डिसीजन का एक सेक्शन है कंपनी का जो अपोज कर रहा है टू सर देंज प्रपोज इन द क्रेडिट पॉलिसी एंड इज एडवेट आ स्टेटस क्यू द वेरिएबल कॉस्ट फॉर द फम आर सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द सेल्स एंड फिक्सड कोस्ट आर हंड्रेड लाख यानी कि जो वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट जो होती है फम की वो इतनी इतनी इन्होंने बता दी आर यू इन फेवर ऑफ सच चेंज प्रपोज इन द फम क्रेडिट पॉलिसी एज्यूम द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ़ द कैपिटल फॉर ट्रांसलिट लिमिटेड इज ट्वेल्व परसेंट यानी कि क्या आपको लगता है कि ये जो डिसीजन है फ़म का ये ठीक है आर यू फेवर में हो इस डिसीजन की आप या नहीं और यहाँ पर इन्होंने जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कंपनी की वो बता दी ट्वेल्व परसेंट तो ये इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों जो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन पेपर है उसमें पूछे जाएंगे नॉर्मली जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हर एक पार्ट में इंक्लूडेड है तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी ही है ठीक है और ऐसा मत सोचिएगा कि जो भी आप पेपर करोगे जहीं कहाँ कहीं से भी करोगे आई नो आप बहुत सारे ग्रुप्स में ऐड होगे जिस भी तरह से आप पेपर करो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो ठीक है जी तो इसी के साथ अभी के लिए वीडियो में इतना ही थैंक यू